हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तीस्ता किचन। आज हम लोग आलू पफ पैटीज बनाएंगे। बहुत ही क्रंची एंड टेस्टी होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि घर में आसानी से पफ पैटीज मार्केट स्टाइल का कैसे बना सकते हैं। इसे हम माइक्रोवेव और कढ़ाई दोनों में ही बेक करेंगे, तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस पफ पैटीज को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से कंबाइन हो जाए। अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करना है। इसके बाद हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक डो लगाकर तैयार करेंगे। मीडियम सॉफ्ट हमें डो लगाना है ताकि बाद में हम इसे आसानी से बेल पाएं। तो यहाँ पे मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मीडियम सॉफ्ट ये डो है। इसे अब रेस्ट देंगे 15 मिनट का। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम आलू का चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। तो एक पैन को गैस पे चढ़ाएं, उसमें डालें 2 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल को गर्म होने दें। इसके बाद डालें 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, इन दोनों को चटकने दें। उसके बाद डालें हरी मिर्च 2 से 3 और एक प्याज, मीडियम साइज का प्याज लिया था मैंने, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करें। जैसे ही प्याज गोल्डन हो जाएगा, इसमें डालें 1 इंच अदरक, जिसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इन्हें भून लें। इसके बाद इसमें ऐड करें मटर। ये मैं फ्रोजन मटर का यूज कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर का यूज करें तो उसे थोड़ा सा बॉयल करके यूज करें, क्योंकि ये फ्रोजन मटर है तो ये ऑलरेडी बॉयल होता है। तो अच्छे से 2 मिनट हम मटर डालने के बाद भून लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे आलू। 4 मीडियम साइज का बॉयल्ड आलू है, जिसे मैंने मैश करके ले लिया है। इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से सब कुछ एक दूसरे में कंबाइन हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे नमक। फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनेंगे। तो 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हरा धनिया को अच्छे से आलू में मिक्स कर देंगे। तो हमारा चटपटा सा आलू का मिक्सर बनकर रेडी है। इसे रखेंगे साइड में। 15 मिनट डो को रेस्ट देने के बाद हम इसे अच्छे से कुछ सेकंड के लिए मसल लेंगे। इसके बाद एक इसका बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम लेंगे 1/4 कप सूखा मैदा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मार्जरीन। पफ पैटीज को बनाने के लिए मार्जरीन का ही यूज किया जाता है। मार्जरीन का ही यूज करने से पैटीज की जो लेयर होती है वो बहुत अच्छे से खुलती है। आप इसकी जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए मार्जरीन का ही यूज करें। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा को डस्ट करेंगे और जो हमने बड़ा सा पेड़ा बनाया था उसे ले लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे हम बेलेंगे। जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला बेलेंगे। अभी कोई शेप नहीं देना है हमें, बस जितना लंबा हम इसे बेल सकते हैं उतना लंबा हम इसे बेलेंगे। इसके बाद हम लेंगे मार्जरीन। जो हमने 100 ग्राम मार्जरीन लिया है उसका 1/3 हिस्सा अभी हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हाथों की मदद से आप अच्छे से स्प्रेड कर दें। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बस कोशिश करना है हमें कि इसे हम स्क्वायर शेप में फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद मैं इसे क्लिंग फिल्म में रैप करके फ्रिज में रखूंगी। जी हाँ, फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है आपको इसे। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप किसी बर्तन में ढककर भी इसे रख सकते हैं। इसे आपको 20 मिनट के लिए रखना है। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकालेंगे और फिर से सूखा मैदा को डस्ट करेंगे और इसे हम बेलेंगे। इस बार हम इसे स्क्वायर शेप में बेलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इस तरीके से। हल्के हाथों से बेलना है हमें इसे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इसे नहीं बेलना है। उसके बाद अच्छे से बेलने के बाद जो हम मार्जिन हमारा बच गया था उसका आधा अब हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसे अच्छे से हाथों की मदद से फैला लेंगे। सेम पहले वाले स्टेप की तरह हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। फिर से हम स्क्वायर शेप में ही कोशिश करेंगे कि इसे फोल्ड करें। इस तरीके से करने से बहुत ही अच्छा लेयर्स बनता है हमारे पैटीज में। तो इसके बाद हम अगेन इसे फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे वही क्लिंग फिल्म का यूज कर रही हूँ इसे रैप करने के लिए। आपने अगर किसी बर्तन में रखा है तो फिर से उसी बर्तन में रख दें। तो फिर से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अगेन हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और फिर से सेम वही स्टेप हमें रिपीट करना है। फिर से हम इसे स्क्वायर शेप में बेलेंगे और बचा हुआ जितना भी मार्जरीन है इसके ऊपर हम लगा देंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर से वही सेम स्टेप रिपीट करना है जो हमने पहले और दूसरे बार किया है। आई नो कि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो टोटली वर्थ होगा। तो अगेन मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अगेन हम 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे।
मैंने सेम क्लीन फिल्म में इसे फिर से रैप कर लिया है। 10 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे, उसमें हम डालेंगे एक स्टैंड और इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करेंगे। अगर माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड में 190 डिग्री पर उसे प्री हीट होने दें। तो पूरे 3 बार मैंने इसे फ्रिज में रख लिया है। अब 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम सूखा मैदा को डस्ट करके इसे बेलेंगे। स्क्वायर शेप में हमें इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना मोटा रखना है। इसके बाद हम कटर की मदद से इसके साइड्स को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे ताकि लेयर्स इसे अच्छे से खुले। तो हल्का हल्का आपको ट्रिम कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसे स्क्वायर शेप में काटेंगे। तो इक्वली आप इसे स्क्वायर शेप में काट ले। इतनी क्वांटिटी से आप 9 मीडियम साइज के पैटीज बना सकते हैं। तो मैंने इसे स्क्वायर शेप में काट लिया। अब जो हमने आलू का मसाला लिया था उसे हम इसके बीच रख देंगे और इसे बहुत प्रेस करके नहीं दबाना, हल्के हाथों से दबाएं। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ 6 पैटीज बना रही हूँ, बाकी का जो 3 बच गया है उसे कुछ इस तरीके से स्टोर करूंगी। एक रैप को रखे, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, दूसरे रैप को रखे, इसी तरीके से बाकी रैप को रखेंगे और इसे क्लिंग फिल्म में रैप करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। जब आपको लगे कि बनाना है तो इसे फ्रिज से निकाले, इसमें आलू का मसाला डाले और इसे बेक कर ले। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, उसे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। इसमें हम 3 पैटीज को डालेंगे और इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। नेक्स्ट हम एक बेकिंग डिश लेंगे, इसमें भी हम 3 पैटीज डालेंगे, इसे हम माइक्रोवेव में बेक करेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा मिल्क। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब चीनी मिलाया अच्छे से मिक्स करने के बाद। इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से अच्छे से लगा लूँगी। तो मैं जिसे माइक्रोवेव में बेक करने वाली हूँ और जिसे कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ, दोनों के ऊपर लगा लिया है और यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। तो ढक्कन को हटाएंगे, कढ़ाई हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। हम पैटीज को डाल देंगे और इसे हम लगभग 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे बेक करना है। जिसे हम माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं तो उसे हम 35 मिनट के लिए 190 डिग्री पे बेक करेंगे। 25 मिनट के बाद हम कढ़ाई वाले पैटीज को पलट देंगे। इस वक्त पैटीज काफी गर्म होता है तो केयरफुली इसे पलटें। माइक्रोवेव में बेक करने का एक यही एडवांटेज होता है कि उसमें पलटना नहीं पड़ता है। तो इसे अब हम ढककर फिर से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई में इसे बेक करते हुए पूरे 50 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पैटीज को चेक करेंगे। पैटीज बनकर हमारा एकदम रेडी है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये जो आप छोटे छोटे पीसेस देख रहे हैं ये वो है जिसे हमने ट्रिम करके निकाल दिया था। तो माइक्रोवेव वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो दोनों ही पैटीज, माइक्रोवेव वाला और कढ़ाई वाला, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत ही अच्छे से लेयर्स खुले हैं, काफी बढ़िया कलर आया है दोनों का ही, काफी क्रिस्पी एंड क्रंची पैटीज बना है। मार्केट से काफी अच्छा इसका टेस्ट होता है और फ्रेश भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हेल्दी होता है, बट हाँ कभी कभी के लिए तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मेहनत है बट वो वर्थ है। आप भी इस तरीके से एक बार पैटीज को बनाएं, आप मार्केट का कभी नहीं खाएंगे, हमेशा घर में ही बनाना इसे पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।